जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक एपिस्टासिस चल रहा था और इससे पहले डुप्लीकेटेड रिसेसिव जीन देखा था, आज डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन देखते हैं जिसकी रेशो 15:1 है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि दो जीन्स जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, तो उसमें वो बता रहा है कि ए जीन जो एक होमोलोगस पे है और बी जीन जो किसी और होमोलोग पे है, मतलब दो जीन ऐसे जो नॉन होमोलोगस पे मौजूद हैं। तो इसमें अगर जो हमेशा डोमिनेंट है, चाहे वो जिसे कहते हैं कि एक लोकस पे मौजूद है, साथ वाले दूसरे लोकस पे रिसेसिव जीन होगा, तो उनका एक्सप्रेशन सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं, कैपिटल ए है फर्स्ट में और साथ में कैपिटल ए स्मॉल ए, और हाइपोस्टैटिक जीन में आपने देखा कि स्मॉल बी मौजूद है। इस तरीके से एपिस्टासिस में आपने फर्दर देखा कि अगर यहाँ पे होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और हाइपोस्टैटिक में हमने देखा कि होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस जो है वो डोमिनेंट हाइपोस्टैटिकली मौजूद है। तमाम केसेस में देखें, चाहे जिसे कहते हैं कि एक लोकस पे या दूसरे लोकस पे, दो या इवन के एक भी डोमिनेंट अलील होगा तो उसका एक्सप्रेशन हमेशा सेम होगा। एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही सूरत में चेंज हो सकता है, सिर्फ एक ही सूरत में, जब चारों के चारों अलील क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। ठीक है, चारों से मुराद स्मॉल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी जो कि लास्ट केस चौथा केस दिखाया हुआ है, उसमें आपको जिसे कहते हैं डिफरेंट फिनोटाइप दिखाई देगा। बाकी हमने कहा कि किसी भी एक इंडिविजुअल के पास, क्योंकि हमने कहा पॉसिबल दो अलील होते हैं, जब हम दो ट्रेड्स की बात कर रहे होते हैं तो उससे मुराद चार अलील की बात कर रहे होते हैं, तो कहते हैं चारों में से एक भी डोमिनेंट हुआ, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे, या वो एपी है या हाइपो है, तो एक्सप्रेशन उनका वो अपना कलर देगा या अपना एक्सप्रेशन देगा। लेकिन अगर चारों के चारों रिसेसिव होंगे फिर फिनोटाइप चेंज होगा। यहाँ पे एक क्रॉस दिखाया हुआ है, जैसे कि इसमें आपको बताया हुआ है कि एक प्लांट दिखाया हुआ है, कैप्सेला दिखाया हुआ है, और उसमें बताया हुआ है कि उसके अंदर जो शेप है, ठीक है, सीड कैप्सूल जो है उसकी शेप कैसी है, वो कहते हैं ट्राइंगुलर है या टॉप शेप है, तो इन्हीं का क्रॉस करवा लेते हैं। ट्राइंगुलर है और टॉप शेप आपने देखा स्मॉल ए स्मॉल बी है, और ट्राइंगुलर होमोजाइगस जिसे कहते हैं डोमिनेंट है। नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। जी, तो इसका आपने देखा कि F1 में तो सारे जिसे कहते हैं ट्राइंगुलर होंगे, ठीक है, और F2 जनरेशन में आपको सिर्फ वो जो 16 केस है, 16 बॉक्स जो है, वहां पर आपको टॉप शेप आपको कैप्सूल दिखाई देगा, जहां पे स्मॉल ए और स्मॉल बी आपको दिखाए हुए हैं। तो ये रेशो जो बनती है 15:1 बनती है, सबसे आसान जो है ना ये वाला एपिस्टासिस टाइप में है। तो और फिर छठा केस आ जाता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंटरेक्शन, तो इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आप ये देखते हैं कि एक जीन है, जैसा कि हम एपिस्टैटिक अलील की बात कर रहे हैं या एपिस्टैटिक जीन की बात कर रहे हैं, वो डोमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है, और हाइपोस्टैटिक हमने वो देखा कि चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तो ए क्या करेगा, दोनों को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, मतलब कैपिटल को भी, यानी कि हाइपोस्टैटिक में डोमिनेंट को भी और रिसेसिव को भी, और जिसे कहते हैं कि ए अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, बी नहीं शो करेगा। बी किस सूरत में अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, सिर्फ एक ही सूरत में अपना जिसे कहते हैं कि एक्सप्रेशन शो करेगा, जब एपिस्टैटिक अलील जो है वो किस फॉर्म में होगा, वो रिसेसिव फॉर्म में होगा, ठीक है। एपिस्टैटिक रिसेसिव में हाइपो जो है वो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट या इवन के रिसेसिव फॉर्म में है, तो ही वो अपना एक्सप्रेशन क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पे दो जिसे कहते हैं कि इनकी वैरायटीज बताई हुई है हैंस की, एक लेग हॉर्न है और दूसरा प्लाईमाउथ है, तो इनमें इनका जो आप कह सकते हैं कि इनके जो फीदर्स हैं उनका कलर हम देख सकते हैं। वैसे तो आपको दोनों यहाँ पर वाइट दिखाई दे रहे हैं, लेग हॉर्न भी और प्लाईमाउथ भी, लेकिन क्रॉस करवाते हैं, देखते हैं कि फिनोटाइप कैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज पे जाएं। जी, तो
जहां पर आपने व्हाइट लेग हॉर्न जो है वहां पर हमने कहा कि व्हाइट किस सूरत में दिखाई देगा, ठीक है, उस सूरत में दिखाई देगा जब आपको बताया कि जो ए जीन है या एपिस्टेटिक जीन जो है वो किस फॉर्म में होगा, वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एपिस्टेटिक जीन जो है उसको आई से, कैपिटल आई से शो किया हुआ है, और जो हाइपो है उसको कैपिटल सी से शो किया हुआ है। दूसरा व्हाइट प्लाईमाउथ है वो कैसा है, वहां पर आपने ये देखा कि जो एपिस्टाटिक एलील है वो किस फॉर्म में है, वो हमने कहा कि रिसेसिव फॉर्म में, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है। और जो हाइपोस्टैटिक है वो किस फॉर्म में है, हमने कहा कि वो भी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है। तो ये भी क्या होगा, व्हाइट होगा। देखिए कलर उसी सूरत में आपको दिखाई देगा कि जब एपी वाला रिसेसिव में हो और जो हाइपो वाला है वो किस स्टेज पे हो, वो हम कहते हैं होमोजाइगस या हेटरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो। खैर F1 जनरेशन आपको यहाँ पर हासिल होती है, ठीक है, और F1 जनरेशन कैसी है वो आपने देखा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आई और स्मॉल आई, इनका आपस में क्रॉस करवा लेते हैं। क्रॉस करवाने पर देखते हैं कि हमें कलर्ड कहाँ पे दिखाई देंगे। कलर्ड मैंने यहाँ पे तीन बॉक्सेस जहाँ पे कलर्ड लिखा हुआ है उसको मैंने कलर भी किया हुआ है, कि जब एपिस्टैटिक एलील जिसको हम आई से शो कर रहे हैं जहां जहां पर कलर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है। बाकी कहीं पर भी आपको एपिस्टैटिक एलील जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा। जहां पर ये होमोजाइगस रिसेसिव में नहीं है, जहां पर ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटरोजाइगस डोमिनेंट में है, वहां पर कलर कैसा दिखाई दे रहा है, वाइट दिखाई दे रहा है। जहां पर ये होमोजाइगस रिसेसिव में है और साथ वाला दूसरा अलील उसका डोमिनेंट होना, हाइपो का डोमिनेंट होना जरूरी है, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, वहां पर आपको कलर दिखाई दे रहा है। रेशो कैसे चेंज होती है, रेशो 9:3:3:1 से चेंज होकर आपको क्या दिखाई दे रही है, 13:3 आपको दिखाई दे रही है। खैर सबसे एंड में इनके रेशो जो है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आपसे कभी किसी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नॉर्मल केस क्या था आपका, 9:3:3:1 रेशो था। पहला केस पढ़ा था हमने डोमिनेंट एपिस्टासिस, वहां पर रेशो क्या थी हमारे पास, वहां पे 12:3:1 थी, ठीक है। दूसरा केस पढ़ा था रिसेसिव एपिस्टासिस, वहां पर रेशो क्या थी, 9:3:4 थी। उसके बाद हमने पढ़ा था डुप्लीकेट जीन विद कमुलेटिव इफेक्ट, यहाँ पे रेशो क्या थी, 9:6:1 थी। उसके बाद जो आज हमने केस पढ़ा है यहाँ पे इसको चौथे नंबर पे शो किया हुआ है, डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन्स, इसकी रेशो हम देख चुके हैं टॉप वाली और ट्राइंगुलर वाली, इसकी 15:1 है। कल हमने पढ़ा था डुप्लीकेट रिसेसिव जीन, उसकी रेशो क्या थी, 9:7 थी। और आज जो लास्ट केस पढ़ा है डुप्लीकेट एंड रिसेसिव इंटरेक्शन, वहां पर रेशो क्या है, 13:3 है। तो आप बाकी का अगर इवन के क्रास वगैरह नहीं भी तैयार कर रहे तो क्योंकि आपने सबसे पहले जो पेपर में अपियर होना है तो वो आपने एमसीक्यूज के वाले से, तो इनकी जो रेशो है, ठीक है, ये एपिस्टासिस के सारे केसेस के नाम और इनकी जो रेशो है वो आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और यहाँ पर मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करता हूँ और मजीद आपसे ये कहूँगा कि नेक्स्ट कल से मैं इस टाइम लेक्चर नहीं दिया करूँगा, बल्कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, जी नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स होंगे उसको मैं क्या करूँगा, किसी न किसी सोर्स से रिकॉर्ड करके आपको उसका लिंक वगैरह जो है वो भेज दूंगा, और जो मैंने नोट्स तैयार